दो अंडे। चूहा खाया है क्या? अच्छा ये अंडा फूटा है मुझे लग रहा है। दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं और एक बड़ी साइज की मुर्गी इसके अंदर। कहाँ गए हो? एक बार अपना नाम पता हमें बताइए। दीपक प्रजापति नाम है और ये संजोसा फार्म कॉलोनी अम्बेडकर नगर में घर। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना सलमानपुर। ये सांप कब देखा गया? सुबह में। कितने बजे लगभग? 7:30। फोन आप ही किए थे? हाँ। तो जो जानवर आपका नुकसान हुआ है, जो जीव या पंछी, वो क्या था? मुर्गी था। कितने मुर्गी मरी है? 39 मुर्गी मर गई है उसी के काटने से। और पता भी नहीं चलता था, एक एक रोज मरती थी। अच्छा, सिर्फ मुर्गी थी कि उसमें मुर्गा भी था? मुर्गी भी थे। तो 45 उम्र गई लगातार, और आप लोग अभी तो कुछ किए नहीं? पता नहीं चलता था ना, एक दिन देखे तो फिर उस दिन से वो भाग गया। हम लोग सोचे कि मतलब आया होगा वैसे ही। अच्छा, तो फिर कैसे पता चल गया कि वही था? आज हम स्कूल से आए तो हमको खुद पता चला। सुबह कैसे अच्छा पर डे काट के चला जाता था। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, एक छोटे से घर के अंदर 40 परिवार को उजाड़ करके रख दिया एक सांप। दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा सांप है जो कॉमन है, लगभग सभी जगहों पर मिलता है। और वैसे भी दोस्तों घर के आसपास में बहुत सारे जंगल झाड़ियां हैं। होता है दोस्तों कि जहाँ पर इंसान रहता है अपने जीवन के आसपास, अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों को सजा के रखता है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर बहुत सारे खतरनाक जीव भी आते हैं। चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं वो सांप है कौन सा। आप नजर जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। लेते हैं दोस्तों 2-4-10 मिनट का वक्त, काफ़ी सुबह से इंतजार हो रहा है। आइए फटाफट के अंदाज में। तो दोस्तों आप यही है, देख लीजिए, ये छोटा सा मुर्गी का दरबा है। हमारे गांव में इसको मुर्गी का दरबा ही कहते हैं। कहां से गया होगा ये? ये यहां से भी घुसा होगा क्या? नहीं, घुसा इसी में था। अच्छा अच्छा, इसमें गैप था पहले ना, इसे। अच्छा अच्छा, पहले गैप था, अब इसको सही पैक कर दिए हैं। अगर पहले से ही दोस्तों ये सही पैक रहा होता तो इसमें ये नहीं जा पाता। अभी इसके अंदर टोटल कितने हैं? अभी एक ही सांप है, एक मुर्गी पड़ी है। वही सब समाप्त हो गई क्या टोटल? बस एक बची है। एक बच्ची है। दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं और एक बड़ी साइज की मुर्गी इसके अंदर। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये काफी बड़ा सा मुर्गी का दरबा है और इसी के अंदर ही आता था। इसके अंदर लगभग 40 मुर्गी और बत्तख मिला करके रहते थे। ये यहाँ पर दोस्तों भोजन करके बैठा हुआ है, काफी खाया पिया घर से। ऐसा मंजर दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आज ये दोस्तों 40 परिवार को उजाड़ने के बाद आज ये पकड़ में आ गया। दोस्तों लगातार 40 मुर्गियों को और बत्तख को मिला करके ये मौत की घाट उतार दिया। आज जाकर के जब इसके अंदर ये अंडा खाया और फंस गया, ये गुड़िया जी ने देखा। चलिए दोस्तों ये जरा से छेड़छाड़ करने के बाद ये दोस्तों इसी प्रकार से ये बाहर की दिशा में शायद इधर से ही भाग करके जाता था। ये यही था रास्ता ना? तो आप ये देखिए, काफी खाया पिया घर से, खाइए और इसको भी ये यहीं से ये बार बार आता था। इसका मतलब वहीं से वो आता था, वहीं से चला भी जाता था और लोग समझ नहीं पाते थे। वो खाता था अंडा रोज और पता नहीं चलता था। दोस्तों आप ये देखिए, काफी भयंकर और बहुत ही खतरनाक सांप ये। इसकी दोस्तों मुंडी को सबसे पहले, बहुत ही फास्ट है अभी ये, सबसे पहले ये मुझे लगता है ना इसकी मुंडी पर प्रहार किया है। मुंडी को खाना चाहा और खा नहीं पाया। दोस्तों इसीलिए जो है थोड़ा साफ सफाई रखिए, सावधानी पूर्वक रहिए। होता यह है कि जहाँ पर जंगल झाड़ियाँ होती हैं वहीं पर सांपों का आना जाना तो रहता ही है। और वैसे भी दोस्तों इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। तो चलिए सर वहाँ लेके चले बाहर की तरफ। तो जब भी ये सांप काटता है दोस्तों सीधा आप हॉस्पिटल जाइए। हमारे भारत में 50 से 60 हजार लोग हर साल मर जाते हैं
सिर्फ जड़ी बूटी दवा पीने पिलाने के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में उनके प्राण बच नहीं पाते हैं। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जब ये सांप काट लेता है तो 40 से 50 मिनट के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर इंजेक्शन नहीं मिला तब। देखिए बगैर छेड़छाड़ के किसी को काटता नहीं, इसके बाद भी देखिए नहीं काट रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं काट रहा है तो आप इसके पास हाथ लगा दीजिए, तुरंत काट लेगा। हाँ, ये जो अंडा खा लिया है ना, अगर ये अंडा फूटेगा नहीं तो ये पचेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर दो अंडे हैं। चूहा खाया है क्या? अच्छा, ये अंडा फूटा है मुझे लग रहा है। बोलने से ज्यादा मजा आता है देखने में, उसको कम अटका है, आप लोगों को ज्यादा अटका है। चलिए दोस्तों, आप ये देखिए कि ये सेफ अंडा है, इसको आप रख लीजिए भैया। किसका अंडा है ये? दोस्तों एक अंडे तो निकाल चुका है पूरी तरीके सेफ, और इसके अंदर दो अंडे थे और एक तो फूट चुका था। बड़ी हैरत ये है कि पर डे ये वहीं से आता था पीछे के जंगल झाड़ियों से, और एक एक करके एक मुर्गी को या एक बत्तख को पर डे ये 40 लोगों की मौत की घाट उतार दिया। सभी को मारने के बाद आज ये दो अंडे को खा करके वहीं फंस गया और पूरी तरीके से पैक था। अच्छा तो ये हुआ कि घर की जो गुड़िया थी वो उनकी निगाहें पड़ गई और ये निकल नहीं पाया। दो अंडे खाने के बाद एक अंडा तो इसके पेट में फूट गया और दूसरा सेफ ये निकल गया। और दोस्तों आज एक मुर्गी को मारने के बाद ये पकड़ा गया, और इसको आप क्या कहेंगे? जो दोस्तों पीछे मर गए उनकी आत्मा को भगवान शांति दें, इसको भी लेके चलते हैं काफ़ी दूर जंगल झाड़ियों में रिलीज कर देंगे। आप ही देखे थे ना सबसे पहले। अच्छा क्या करने के लिए आप वहाँ गए? हाँ अच्छा, अच्छा अच्छा, भागने की मुंडी बाहर थी। भागा नहीं फिर? अच्छा वो जो पटरा लगा हुआ था, पटरा लगा था उसके नीचे से निकल गया। इसका मतलब पटरे की वजह से पेट में अंडा था तो क्रॉस नहीं हो पाया, तो फिर से वापस हो गया, नहीं निकल जाता आज फिर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर आप कॉपी नहीं कीजिएगा, इसी समय दोस्तों बहुत खतरनाक ये काम है, जब भी लोग इसमें डालते हैं तो उसी समय सांप काट लेता है। हाँ चलिए भैया फिर से थोड़ा ऑक्सीजन के लिए बना लेते हैं। दोस्तों ये इसके ऑक्सीजन के लिए बनाए जा रहे हैं। दोस्तों ये 5 kg का डिब्बा है और ये सांप जो है 500 ग्राम का है। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय बाय। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को दूर तक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोगों को बचाया जा सके। आज तो 40 जिंदगियां एक साथ ये सांप खाक में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। और दोस्तों सभी की आत्मा को भगवान शांति दें। हालांकि दोस्तों मारने वाला और बचाने वाला सब ऊपर बैठे हैं, अपना काम है जीवों को बचाना, इसकी भी कोई गलती नहीं है। अब ये भोजन की तलाश में अपने पेट की खातिर ऐसा हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।